अपने जीवन को अपने हाथ में लेना और आगे बढ़ते जाना चाहे आप किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से आए हों, आप अंबेडकर को पूजिए मत मगर उनके जीवन की तरह अपना जीवन बनाएं। कि चाहे समाज आपके लिए कुछ भी तय करे आप रुकेंगे नहीं देखिए दुर्भाग्यवश सभी नेताओं को किसी ना किसी ने हथिया लिया है अगर आप सरदार पटेल कहते हैं तो कांग्रेस कहेगी वे कांग्रेस ही थे आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं अंबेडकर कहें तो कहा जाता है वे दलित थे आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं जिन भी लोगों ने इस देश के लिए काम किया है उनका सभी के लिए प्रेरणा बनना महत्वपूर्ण है देखिए अगर उनके अपने शब्दों में कहें तो उन्होंने लोकतंत्र को सिर्फ सरकार का एक प्रकार नहीं माना बल्कि यह इंसानों का एक दूसरे के प्रति सम्मान आ, और श्रद्धा और सम्मान दिखाने का एक तरीका है ये उनके शब्द हैं तो वे एक दूसरे के प्रति श्रद्धा की बात कर रहे हैं अगर कोई एक दूसरे के प्रति श्रद्धा की बात करता है तो एक तरह से ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है ठीक है तो वे सामाजिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं राजनीतिक लोकतंत्र की नहीं राजनीतिक लोकतंत्र यहां मौजूद है कागजों पर कानून के अनुसार हम सब बराबर हैं मगर सामाजिक तौर पर ऐसा नहीं है कोई समाज हर इंसान को बराबर लाने में सफल नहीं होता ऐसा कभी नहीं होगा यह अलग बात है मगर बराबर अवसर जरूर मिलने चाहिए वाकई समानता चाहे न हो मगर समान अवसर जरूर मिलने चाहिए दुर्भाग्यवश ऐसा अब तक नहीं हुआ है हालांकि कानूनन हम सबके पास समान अवसर हैं। समाज में हमारे पास अब भी समान अवसर नहीं है आ, बहुत से लोग कई रूपों में इस अवसर से वंचित रहते हैं या वे अवसर पाने के लिए मौजूद नहीं होते ऐसा होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देखिए आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब बस यही है कि आपकी पहचान आपके शरीर के रूप में नहीं है जब आपकी पहचान आपके शरीर के रूप में नहीं होती तब आपका वंश महत्वपूर्ण नहीं होता यह वंश की बात नहीं है वंश से मिले अधिकारों को खत्म होना होगा तभी एक सामाजिक लोकतंत्र आ पाएगा मगर वंश से मिले अधिकार अब भी मौजूद हैं Who is your father is still of some consequence. आपके पिता कौन है ये अब भी महत्वपूर्ण है इसे खत्म होना होगा मेरे पिता कौन है ये आपकी समस्या नहीं है ये मेरा व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है पर आपका नहीं मैं कौन हूं यही आपके लिए मायने रखता है समाज में इसे लाना होगा ये अब तक नहीं हुआ है वी आर इन मैनी वेज प्रैक्टिसिंग फ्यूडलिज्म कई रूपों में हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली के जरिए जागीरदारी चला रहे हैं जब भी चुनाव होता है तो जाति वर्ग धर्म की इतनी बात क्यों होती है आप किसकी पूजा करते हैं किस जाति के हैं इससे क्या फर्क पड़ता है मगर फर्क पड़ता है क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीकों से जागीरदारी चला रहे हैं हर कोई जानता है कि अगर ये जाति आपसे जुड़ती है तो उसका प्रतिशत क्या है अगर वो धर्म आपसे जुड़ता है तो उसका प्रतिशत क्या है अंबेडकर की दृष्टि एक सामाजिक लोकतंत्र की थी सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की नहीं क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र या कोई भी लोकतंत्र एक अंतहीन बहस और छलावा है यह तभी सार्थक है जब हम सामाजिक लोकतंत्र प्राप्त करें असल में सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र कई रूपों में एक बाधा है हम वहां सीधे सीधे नहीं पहुंच सकते हमें पहले राजनीतिक लोकतंत्र लाना होगा फिर सामाजिक लोकतंत्र तक पहुंचना होगा और वही हम कर रहे हैं मगर सत्तर सालों के बाद मैं कहूंगा कि हमारी रफ्तार थोड़ी धीमी है तो आप एक पुरुष हैं, आप स्त्री हैं आप ये हैं वो हैं कौन सी जाति कौन सा वर्ग ये मायने नहीं रखता यही वे लाने की कोशिश कर रहे हैं दुर्भाग्यवश अब भी आ, कानूनन दलितों के पास अधिकार हैं मगर सामाजिक रूप से हमने ये हासिल नहीं किया है अब भी उतना ही भेदभाव होता है वे अपने जीवन का ये दिल को छूने वाला एक किस्सा बताते हैं जब वे नौ साल के थे वे एक गांव से कहीं और जा रहे थे जहां उनके पिता काम करते थे पुणे या कहीं और ये नौ साल का लड़का और उसका बाकी परिवार सफर कर रहा था जब वे रेलवे स्टेशन पर उतरे तो उन्हें वेटिंग रूम में नहीं रुकने दिया गया कोई बैलगाड़ी उन्हें अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार नहीं थी काफी कोशिश के बाद एक बैलगाड़ी वाला उन्हें ले जाने को तैयार हुआ मगर वो उन्हें बैलगाड़ी पर बिठाकर खुद पैदल चला क्योंकि वो उन लोगों के साथ बैलगाड़ी पर नहीं बैठना चाहता था क्योंकि उस समय में यह माना जाता था कि उनके छूने से आप अपवित्र हो जाएंगे दुर्भाग्यवश यह ग्रामीण भारत में आज भी सच है उस हद तक नहीं मगर आज भी सच है यह सोच कि किसी दूसरे इंसान के छूने से आप अपवित्र हो जाएंगे या आप पर उसकी छाया पड़ना भी आपको अपवित्र बना सकता है दुर्भाग्य से आज तक कायम है लोगों की एक पीढ़ी के रूप में हमें इसे अब खत्म करना चाहिए क्योंकि अगर हमने इसे ठीक नहीं किया तो एक गणतंत्र के रूप में भारत का विचार ही असफल हो जाएगा देखिए भारत जैसे देश में आप जो भी कानून बना लें खासकर कुछ सुविधाएं हासिल करने के बारे में वहां दुरुपयोग होगा हमें उपयोग और दुरुपयोग को तोलना होगा एक समुदाय जो हजारों सालों से थोड़े समय से नहीं हजारों सालों से भेदभाव का शिकार रहा है कि यह बहुत मजबूती से माना जाता है कि उनका जन्म ही नीची प्रकृति का है अगर आप उन्हें कुछ सुविधाओं के साथ ऊपर नहीं लाएंगे ताकि वे किसी दिन बराबर हो सके आ, तो यह बहुत अन्याय होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आज किसी को कोई आरक्षण मिल रहा है और आपको लगता है कि यह उचित नहीं है क्योंकि आपको एक कॉलेज में दाखिला नहीं मिला या कुछ और मैं इसके पीछे छुपे असंतोष को समझता हूं हमें समझना होगा कि इसका कारण है कि हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या शिक्षा या सुविधाएं बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसके लिए हमारी आबादी बहुत अधिक है मगर आरक्षण कई रूपों में जैसा कि मैंने देखा है खासकर दक्षिण में शायद उत्तर में इसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है मगर दक्षिण में दलित समुदाय के लोगों की एक पूरी पीढ़ी मुख्य रूप से आरक्षण के कारण अच्छी शिक्षा और नौकरी पा सकी है मुख्य रूप से आरक्षण के कारण अब असंतोष अलग अलग स्तरों पर सामने आएगा तो समय के साथ आरक्षणों को लेकर शायद थोड़ा सुधार करना होगा समय के साथ देखिए मसलन आप किसी को दाखिला दे सकते हैं मगर आप उसे इसलिए पास नहीं कर सकते क्योंकि वो एक खास जाति का है वरना देश में योग्यता का स्तर नीचे आ जाएगा उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए और अच्छी स्कूली शिक्षा की कमी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त कोचिंग भी दी जानी चाहिए मगर हमें योग्यता पर समझौता नहीं करना चाहिए और इसी तरह नौकरियों के लिए उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वे नौकरी में आ सकें मगर प्रमोशन सिर्फ योग्यता से ही मिलना चाहिए आ, ये सुधार जरूरी है मगर जैसा कि हमने कहा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमेशा आखिरकार एक चुनाव जीतना पड़ता है कोई किसी बदलाव के बारे में बात करने का साहस नहीं करता चाहे सकारात्मक या नकारात्मक क्योंकि खास समुदाय से संबंधित कोई भी चीज चुनाव जिता या हरा सकती है जीतना या हारने वाली बात मैं मानता हूं मैं वाकई मानता हूं कि विकास के मौजूदा स्तर में दलितों को इस देश में जो जगह प्राप्त है वहां उन्हें आज भी आरक्षण की जरूरत है लेकिन अगर शहरी दलितों और ग्रामीण दलितों को अलग अलग पहचान दी जाए क्योंकि ज्यादातर भेदभाव और नुकसान ग्रामीण भारत में होता है उन्हें अधिक लाभ मिलना चाहिए बजाय उनके जो पहले से शहरी समाज में रह रहे हैं इसे ऐसे भी किया जा सकता है पहली पीढ़ी को उस सामाजिक खाई से निकाला जाए जो दुर्भाग्यवश उनके लिए खो दी गई थी उन्हें आरक्षण दिया जाए दूसरी पीढ़ी में थोड़ा कम किया जाए तीसरी पीढ़ी को उससे बाहर कर दिया जाए मगर ग्रामीण दलितों के लिए यह बहुत जरूरी है फिलहाल इसके अलावा कोई उपाय नहीं है क्योंकि भेदभाव बहुत क्रूर है इसलिए हमें इसे कम आंक कर यह नहीं सोचना चाहिए ओ उन्हें अनुचित लाभ मिल रहा है आपको आरक्षण हटा लेना चाहिए नहीं ऐसे लोगों को इस देश की ग्रामीण स्थिति को जाकर देखना चाहिए वो कितनी भेदभावपूर्ण है भयानक रूप से भेदभावपूर्ण वे मुख्य दरवाजे से आपके घर में भी नहीं आ सकते उन्हें पीछे के दरवाजे से आना होता है यह किसी भी इंसान के लिए स्वीकार योग्य नहीं है वे किसी लोकल चाय की दुकान पर चाय भी नहीं पी सकते इसे स्वीकार नहीं कर सकते ठीक है तो वंश से मिलने वाले ये अधिकार खत्म होने चाहिए और आरक्षण देश के लिए अभिशाप नहीं है हम कुछ समय सीमा तय कर सकते हैं दो पीढ़ियां अगर वे उसे बाहर निकल पाए जो उससे बाहर निकल जाएं, उन्हें अपनी मर्जी से इससे बाहर चले जाना चाहिए इस तरह का कुछ तैयार करना चाहिए जो दलित उससे बाहर आ गए हैं उन्हें अपना आरक्षण उनके साथ साझा करना चाहिए जो अभी इससे बाहर नहीं आ पाए हैं मेरा मतलब ये जिम्मेदारी से ही हो सकता है देखिए हमें समझना चाहिए ये सुविधाएं एक मौजूदा अन्याय के कारण ही दी जा रही हैं हमें सुविधाओं को एक और अन्याय में नहीं बदल देना चाहिए इसके लिए हमें एक अधिक सजग समाज की जरूरत है हमें लोगों को इस समुदाय उस समुदाय के रूप में देखना बंद कर देना चाहिए क्योंकि हम सभी के पास एक ही वोट है किसी के पास अलग वोट या एक व्यक्ति के पास दो वोट नहीं है तो उस तरह से कानूनन हम बराबर हैं उसे सामाजिक रूप से व्यक्त होना होगा देखिए अंबेडकर अपना जीवन अपने हाथ में लेने के एक शानदार उदाहरण है वो जिस तरह की पृष्ठभूमि से आए थे उन्होंने जो बौद्धिक प्रतिभा दिखाई वो किसी भी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है सामाजिक नुकसानों से उन्होंने हार नहीं मानी उन्होंने उसके बारे में पर्याप्त बोला या नहीं बात यह नहीं है यही उनका जीवन है अपने जीवन को अपने हाथ में लेना और आगे बढ़ते जाना चाहे आप किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से आए हों, मगर हर इंसान से वो करने की उम्मीद करना जो उन्होंने किया उचित नहीं है आपको उनके लिए थोड़ी सुविधा देनी होगी ये बहुत शर्म की बात है व्यक्तिगत रूप से मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं कि आज भी हालांकि हम सैकड़ों गांवों में सक्रिय हैं हम आज भी उसे बदल नहीं पा रहे हैं मैं कोशिश करके देख चुका हूं आप बस टकराव पैदा करते हैं वो फट पड़ेगा इसलिए मैं मानता हूं दलित समुदाय के लिए दलित कम्युनिटी एजुकेशन इकोनॉमिक सक्सेस मस्ट एजुकेशन शिक्षा से आर्थिक सफलता मिलनी चाहिए और उन्हें उन समुदायों से बाहर निकलना होगा तभी बदलाव आएगा या सिर्फ इसे पीढ़ीगत बदलाव होना होगा इस पीढ़ी में अगर उसे बदलना है तो उन सभी को उच्च शिक्षा हासिल करनी होगी और उन ग्रामीण समुदायों से बाहर निकलना होगा जहां चाहे कुछ भी हो उन्हें निचले स्तर पर रखा जाएगा यह बहुत कमजोर बनाने वाला भेदभाव है हालांकि ये यह संस्कृति हजारों सालों से आध्यात्मिकता में डूबी हुई है और यह हमेशा कहा गया है कि हमारा जीवन हमारा कर्म है मतलब हमारा जीवन हमारा खुद का बनाया हुआ है इसके बावजूद पिछले कुछ सौ सालों में हम इतने लाचार हो गए हैं मैं कहूंगा कि यह लगभग हजार सालों तक एक अधीन देश होने का नतीजा है जब तक कि आप ऊपर मौजूद किसी व्यक्ति को खुश नहीं करते आपका गुजारा होना मुश्किल है मेरे ख्याल से यह भारतीय मानस में बहुत गहरा उतर गया है और जब तक एक अच्छा नेता आता है जब एक काबिल नेता आता है जब एक योग्य नेता आता है उसे नेतृत्व की कई परतों की जरूरत होती है इसकी बजाय उसकी पूजा होने लगती है अपनी पूजा से वो क्या करेगा दुर्भाग्यवश हम नेतृत्व की उन कई पर्दों को नहीं बना पाए हैं क्योंकि ये एक अधीन देश की मानसिकता है खासकर तब जब वो सैकड़ों सालों तक अधीन रहा हो जहां लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं अगर आप अपना सिर उठाएंगे तो आपका सिर कट जाएगा बेहतर है सिर को झुका कर रखें अपना काम करें और चले जाएं। अगर आपको कुछ चाहिए तो जो ऊपर बैठा है उसकी चापलूसी करें यह चीज हमारे अंदर बहुत ज्यादा गहरी समा गई है मेरे ख्याल से कई रूपों से अंबेडकर इसके खिलाफ लड़े कि नेताओं और राजनेताओं को आधा भगवान मत बनाइए आपको अंबेडकर के साथ एक चीज करनी चाहिए आप अंबेडकर को पूजिए मत मगर उनके जीवन की तरह अपना जीवन बनाएं। यही जरूरी है अनुकरण की बजाय उनकी पूजा की जा रही है नहीं आपको उनके जीवन का अनुकरण करने की जरूरत है कि चाहे समाज आपके लिए कुछ भी तय करे आप रुकेंगे नहीं आपने अपना जीवन अपने हाथों में ले लिया है हमें यही प्रदर्शित करने की जरूरत है